आपने कच्चे अमरूद तो बहुत खाए होंगे, काट के काला नमक लगा के अमरूद भी बहुत खाए होंगे, अमरूद को भून के भी बहुत खाया होगा, लेकिन आपने इस तरीके की अमरूद चाट नहीं खाई होगी। एक बंगाली स्ट्रीट फूड है जो कि ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली स्पेशल। मैं फिर से आ गई एक और नया वीडियो लेके, एक कुकिंग वीडियो लेके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, एकदम नई रेसिपी लेकर। और ये एक अमरूद से बनने वाली रेसिपी है, एक बंगाली स्ट्रीट फूड की रेसिपी लेकर मैं आई हूँ। तो अगर आप ये बंगाली स्ट्रीट फूड की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा बिना स्किप किए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 6 अमरूद ले लिए, जिनमें से 2 अमरूद पके हुए हैं और 4 अमरूद कच्चे हैं इस टाइप के। तो मैंने ये 6 अमरूद ले लिए हैं, ये 2 पके हुए अमरूद हैं। और ये मैंने जो मसाले, कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने ये होममेड मसाला लिया। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझको कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी। और ये काला नमक ले लिया है, और ये ड्राई मैंगो पाउडर ले लिया है, और ये सॉस ले लिया है, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस। आप इसको बनाकर जरूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने ये 2 तरीके के सॉस ले लिए। मैं सबसे पहले अमरूद को काट लेती हूँ, ये पिछला जो आगे का पीछे का ये पार्ट है उसको हटा देती हूँ। अब मैं इसको काट लेती हूँ। आप मेक श्योर करिएगा कि आप इसके बीज हटा दीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में बीज हटाना भूल गई थी, लेकिन बाद में याद आया तो मैंने इसको बीज हटा दिए हैं। तो पके हुए अमरूद के बीज रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इनको इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लेती हूँ। आप जितना छोटा कट कर पाए उतना छोटा छोटा कट करिएगा, उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इसी तरीके से सारे अमरूद को कट कर लूँगी, पीछे का पार्ट हटा के, जो वेस्ट पार्ट है उसको हटा के इस तरीके से कट कर लूँगी। ज़्यादा छोटा कट ना करिएगा, आप बीज हटा दीजिएगा। मैं यहाँ पर बीज हटाना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो मुझे बाद में याद आया तो मैंने बाद के अमरूद के बीज हटा दिए, और जितना पॉसिबल हो सका उतने अमरूद के मैंने बीज हटा दिए हैं। तो मैं इस तरीके से इसको कट कर ले रही हूँ, इसी तरीके से मैं सारे अमरूद कट कर लूँगी। और ये बीज की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है कट करने में, आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको कट कर लूँगी, मुझे अब मैं बीज हटा देती हूँ इसके। देखिए इस तरीके से आप सभी के बीज हटा दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिए, एकदम नई रेसिपी है। तो ये इस तरीके मैंने बीज हटा दिया, तो कितनी आसानी से कटते जा रहे हैं। तो मैं इसे देखे सारे काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे अमरूद काट लिए हैं और बीज भी हटा दिए। मैंने एक बाउल ले लिया है, अब उसमें ग्लास बाउल ले लिया, उसमें मैं अमरूद डाल देती हूँ ये कटे हुए। और इसमें अब मैं टोमेटो सॉस डाल दूंगी, यहाँ पे लगभग मैं 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालूंगी। तो आप अपनी क्वांटिटी के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5-6 अमरूद लिए थे मीडियम साइज के, तो मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है, तो आपको जिस हिसाब से तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा। और मैंने ये जो मसाले लिए थे वो डाल दिया है, ये मेरा होममेड मसाला, ये काला नमक और ड्राई मैंगो पाउडर, तो मैंने ये डाल दिया है सब। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी तैयार है अमरूद चाट, एक बंगाली स्ट्रीट फूड, बंगाली स्ट्रीट अमरूद चाट। तो मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। देखिए सारी निकाल लेती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
एकदम नई रेसिपी है। तो ये मेरी अमरूद चाट मैंने निकाल लिया, उसमें थोड़ी सी ऊपर मैं नमकीन डाल देती हूँ, आपको जो नमकीन पसंद हो वो डालिएगा। वैसे तो इसमें आलू भुजिया पड़ती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन वो नहीं थी तो मैंने ये दूसरी वाली नमकीन डाल दी है। तो तैयार है मेरी बंगाली स्ट्रीट फूड अमरूद चाट। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और उसके बगल बेल आइकन है ना उस पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।